नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की रखी आधारशिला। परमाणु समय मापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी किया राष्ट्र को समर्पित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 7 जनवरी को करेंगे जेईई एडवांस परीक्षा की तारीखों का ऐलान। आईआईटी में दाखिला संबंधी पात्रता मापदंडों की भी करेंगे घोषणा। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के बीच बने पुल पर अब पास के जरिए होगी आवाजाही। तय समय के लिए ही दोनों देशों के बीच खोला जाएगा आवागमन। और मौसम विभाग ने किया अलर्ट। राज्य में अगले 24 घंटों में फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना। कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। मापिकी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया में भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि न केवल भारत में निर्मित सामानों की मांग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए बल्कि इसकी स्वीकृति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भारतीय निर्देशक द्रव्य को राष्ट्र को समर्पित किया और कहा कि भारतीय निर्देशक द्रव्यम देश में गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में मदद करेगा। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करेगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समय मापक को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 नैनो सेकंड से भी कम की एक्यूरेसी लेवल से मैच कर रहा है। इसमें इसरो सहित हमारे जितने भी संस्थान कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक आईआईटी में दाखिला संबंधी पात्रता मापदंडों का ऐलान 7 जनवरी को करेंगे। इस दौरान वे जेईई एडवांस परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान करेंगे। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री ने आज ट्वीट कर दी। गौरतलब है कि पिछले महीने ही शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि 2021 से जेईई मेन्स परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। ये सत्र फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित किए जाएंगे। जेईई मेन्स परीक्षा का पहला सत्र आगामी 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारियां की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए तैयारियां कर ली हैं। वैक्सीन आने पर सबसे पहले मेडिकल स्टाफ और 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले फेज में जो पहले से निर्देश है कि जो हमारे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे 55 साल से ऊपर और जो किसी बीमारी से इस प्रकार की पीड़ित हैं, उनके लिए फर्स्ट फेज में सारी प्रक्रिया पूरी होगी। तो राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और जल्दी ही भारत सरकार से प्राप्त। वहीं नगर निगम देहरादून के स्वच्छता कर्मी सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी कि भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत स्वच्छता कर्मी और निगम के फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। निगम के करीब 3,500 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। भारत सरकार से और प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, पर्यावरण मित्र, इनका डेटा मांगा गया है
और उसको तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। संख्या करीब 3 से 3,500 के आसपास होगी और ये कल शाम तक हमारा डेटा पूरा तैयार हो जाएगा, इसको हम लोग प्रेषित कर देंगे। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना के 301 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या अब 3,966 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,535 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच अब एक से दूसरे देश में बिना पास के आवाजाही नहीं हो पाएगी। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के साथ ही नेपाल के बैतड़ी और दारचूला प्रशासन भी आवाजाही के लिए स्थानीय स्तर पर पास जारी कर रहा है। दरअसल दोनों देशों के स्थानीय प्रशासन ने यह कदम पुल खुलने पर अनियंत्रित भीड़ को कम करने के लिए उठाया है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। कोविड-19 के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि आने जाने वाले परमिशन लेकर ही आए जाएंगे और सीमित संख्या में 100 से अधिक किसी भी दशा में नहीं आएंगे जाएंगे। और ये ब्रिज जो है 10 बजे से 1 बजे तक ही ओपन किया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके लोग आए जाएं। और इसके अलावा सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है और जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बाद भारत और नेपाल को जोड़ने वाले धारचूला, झूलाघाट और जौलजीबी के अंतर्राष्ट्रीय पुल मार्च में बंद कर दिए गए थे। तब से विशेष परिस्थितियों में भारत और नेपाल के लोगों के अनुरोध पर ही इन पुलों को खोला जाता है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं बागेश्वर में आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। पिंडर घाटी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण दर्जनों गांवों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। टिहरी में हल्के बादल छाने और कल से हो रही बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अल्मोड़ा में भी रात से बारिश हुई, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है। उधर पौड़ी में आसमान में बादल और घाटी में धुंध छाने से सर्दी बढ़ गई है। उधमसिंह नगर और हरिद्वार में भी आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं 6 जनवरी को भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कोटद्वार पुलिस ने 25 दिसंबर को सेतापुर क्षेत्र में हुई डकैती का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे, जिंदा कारतूस और 2.5 लाख रुपए की नकदी समेत जेवरात भी बरामद किए हैं। पौड़ी की एसएसपी पी रेणुका देवी ने बताया कि पुलिस की टीम ने 10 दिनों के भीतर ही इस बड़ी डकैती का खुलासा किया है। उन्होंने जानकारी दी कि डकैती में पीड़ित के रिश्तेदार शामिल थे। डकैती हुआ है उसमें कल हमारा कोटद्वार के टीम द्वारा मुजफ्फरनगर में 5 अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया था। 5 अक्यूज़ से हमने कितना भी यहां पर लूट में सामान मिला था वो सामान बरामद हुआ है। उसमें कैश भी है, ज्वेलरी भी है। उसके अलावा घटनाक्रम में उन लोगों ने यूज किया था 3 गाड़ी बरामद हुआ है और तमंचा, चाकू वगैरह भी बरामद किया है। सो उनसे पूछताछ पर यह पता चला था और 2 अभियुक्तगण हैं इस मुकदमा में, अभी वांछित चल रहे हैं। एक प्रवीण है, वो इस घटना का मतलब वादी है, उनकी रिलेटिव है। सो उन्होंने इनके घर के बारे में सूचना दिया है, इसी से इन लोगों ने प्लान करके यह घटना किया था। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए 20,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ तेज प्रताप ने केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को पर्वतीय राज्यों के किसानों के हित में बताया है। उनका मानना है कि कृषि कानून लागू होने के बाद पर्वतीय राज्यों की दिशा और दशा दोनों में बदलाव हो रहा है। कुलपति का कहना है कि पर्वतीय राज्यों में कैश क्रॉप की तरफ किसानों का काफी झुकाव है। हिमाचल और कश्मीर के किसानों द्वारा उत्पादित सेब पर मंडी शुल्क लगता था, जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी और वो अपना उत्पादित सेब कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पहाड़ों की जरूरत बताया। पहाड़ में एक जबरदस्त मूव है टूवर्ड्स ये कैश क्रॉपिंग के ऊपर। कैश क्रॉपिंग के लिए कानून बहुत अच्छा है। लोगों को ये परेशानी होती थी, कश्मीर और हिमाचल से सेब जाता, सब्जियां जाती हैं मंडियों में, पहले वो टैक्स मरता था। अब वो जो बाहर बेचने के लिए परमिशन होती है वो बाहर भी बेच सकते हैं, अंदर भी बेच सकते हैं, तो डेफिनेट लोगों के फेवर में है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये पहाड़ों की नीड ऑफ द आवर है। टिहरी
जिला प्रशासन अब पर्यटकों को लुभाने के लिए टिहरी झील में कई तरह की गतिविधियां शुरू करने जा रहा है। इसके लिए पीपलडाली के नजदीक पिपोला गांव और डोबराचांटी में बोटिंग प्वाइंट बनाने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। साथ ही झील के किनारे अन्य पर्यटन स्थल भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि झील में हाउस बोट के अलावा फ्लाई बोटिंग, तिवाड़ गांव में पैडल बोट्स के साथ ही डोबराचांटी में टेंट कॉलोनियों को बनाए जाने की भी योजना है। हम हाउस बोट की एक तो कार्य योजना बना रहे हैं, दूसरा हम पैरासेलिंग चलाने का, फ्लाई बोटिंग वगैरह होती है, ये सब कुछ एक्टिविटीज लाना चाह रहे हैं। इवन कुछ मैनुअल एक्टिविटीज जैसे जॉर्बिंग वगैरह हो गई या मैनुअल जो पेडल बोट्स होती हैं वो भी कुछ कुछ छोटे हिस्से में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तिवाड़ गांव के पास थोड़ा शेल्टर्ड है तो उस जगह पर चलाने की योजना बना रहे हैं डोबराचांटी की तरफ। और हम एक और बोटिंग प्वाइंट खोल करके पीपलडाली से पहले वहां पर भी हम चाह रहे हैं कि वहां भी बोटिंग प्वाइंट खोल। कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप पवार ने टिहरी झील में पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां एक ओर झील में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। बहुत दिनों से टिहरी बांध पर अपना शोध कर रहे हैं और हम लोगों के माध्यम से घुंटी पिपोला गांव में भी एक नया पॉइंट खुलने जा रहा है, रजाखेत में नया पॉइंट खुलने जा रहा है, डोबरा में नया पॉइंट खुलने जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को वोट लाने का मौका मिलेगा और हरिद्वार के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रुड़की हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य जनवरी माह में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लगभग एक दर्जन पुल और फ्लाईओवर हरिद्वार की जनता के उपयोग के लिए खोल दिए जाएंगे। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिल सकेगी बल्कि देहरादून ऋषिकेश होते हुए चारों धामों के लिए आने वाले यात्रियों को भी सुविधा होगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही हाईवे संबंधित कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मेजर जो पॉइंट्स है जहां पे जो पुल है, फ्लाईओवर्स है, वो उसके पहले जो जनवरी 14 के पहले जो है पूरा करने का आश्वासन दिए हैं। फिलहाल कुंभ का नोटिफिकेशन तो मतलब जब होगा तब हम बता पाएंगे, अदरवाइज जो है एक्चुअल नोटिफिकेशन के पहले, नोटिफिकेशन का मतलब जो कुंभ स्टार्ट होने के पहले सारे कार्य जो है संतोषजनक रूप से कंप्लीट होने का पूरा उम्मीद है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का किया उद्घाटन, राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की रखी आधारशिला, परमाणु समय मापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी किया राष्ट्र को समर्पित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 7 जनवरी को करेंगे जेईई एडवांस परीक्षा की तारीखों का ऐलान, आईआईटी में दाखिला संबंधी पात्रता मापदंडों की भी करेंगे घोषणा। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के बीच बने पुल पर अब पास के जरिए होगी आवाजाही, तय समय के लिए ही दोनों देशों के बीच खोला जाएगा आवागमन। और मौसम विभाग ने किया अलर्ट, राज्य में अगले 24 घंटों में फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना, कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।